हाय गाइस, वेलकम बैक टू यू स्टूडियो। तो आज हमारा मन हो रहा था पास्ता खाने का नाश्ते में, तो हम वो बना रहे हैं। देखिए, हम अभी पास्ते को बॉईल कर रहे हैं, तो मैं चलो दिखाता हूँ। बॉईल कर रहे हैं हम लोग, तो गाइस देख सकते हैं पास्ता बॉईल हो रहा है बहुत ही अच्छे से। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग ने कढ़ाई गर्म होने रख दिया, चलो अब इसके अंदर तेल डालते हैं। और गाइस ये हम लोग ने तेल डाल चुका है। गाइस हमने गैस बंद कर दी है और पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है, तो चलो अभी से अपन पानी निकालते हैं। तो गाइस अभी हमने पास्ता को पानी निकाल दिया इससे। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये जो पास्ता में सामान लगेगा ये हमने कट कर चुका है। ये है ओनियन, ये कैबेज, ये कैरेट और ये कैप्सिकम और ये मिर्च और ये है रेड मिर्च और ये है कड़ी पत्ता। और गाइस ये है पास्ता सॉस नॉर्का। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं राइस है, ये डाल दी है। देखिए तेल अच्छे से गरम हो चुका है। और ये रेड मिर्च ये भी डाल दी। अब ये गाइस ये उचकता है तो संभाल के। और ये अब इसमें सब वेजिटेबल्स डालेंगे, ये ओनियन और जब तक ये ओनियन गोल्डन हो जाए तब तक इसे फ्राई करते रहे। और इधर इसको थोड़ी देर के ऐसे ही रख देता है ताकि गाइस अब हम इधर वेजिटेबल्स डालेंगे, कैरेट कैप्सिकम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो गाइस जब तक ये पास्ता होता है तब तक हम दूसरा आइटम निकाल देते हैं। तो गाइस हमने अब दूसरा आइटम निकाल चुका है, ये है रेड चिली सॉस और ये है विनेगर और ये ग्रीन चिली सॉस और ये सोया सॉस और ये पास्ता सब हम पांचों चीज़ डालेंगे पास्ता में। तो हम कैबेज डाल रहे हैं, ये डालिए अब इसे वापस मिक्स कर देंगे। तो गाइस अभी हम इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। देखिए हमने इसमें हाफ स्पून सॉल्ट डाला है, पेपर। तो गाइस अब हम ब्लैक पेपर डालेंगे जिसको हिंदी में काली मिर्च बोलता है, तो ये डाल दिया ब्लैक पेपर भी। तो गाइस अब हम इसके अंदर विनेगर डाल रहे हैं, विनेगर डाल दिया है। और अब हम इस पर डालेंगे सोया सॉस। देखिए सोया सॉस डाल दिया है। सॉस और रेड चिली सॉस डालेंगे, ग्रीन चिली सॉस। अब
अब रेड चिली सॉस, रेड चिली सॉस भी डाल रहे हैं। अब हम डालेंगे इसमें पास्ता सॉस, पास्ता सॉस भी, देखिए पास्ता सॉस भी डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटो सॉस भी डालेंगे, टमाटो सॉस। देखिए टमाटो सॉस भी डाल दिया हमने पूरा। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। देखिए ये ब्लैक हो चुका है, ब्राउन। और अब हम इसे पास्ता डाल रहे हैं गाइस। अब इसमें हम पास्ता डाल चुके हैं और इसे वापस मिक्स करना पड़ेगा। ये जो वाइट वाइट पास्ता है ये ब्राउन हो जाएगा। तो गाइज हमारा पास्ता रेडी हो चुका है, इसको बस थोड़ा सा और मिक्स करना है फिर ये रेडी हो जाएगा। तो गाइज रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व करते हैं टेस्ट के लिए। टेस्ट का कैसा है, टेस्ट में कुछ कमी होगी तो अब हम इसे डाल सकते हैं। तो गाइस पास्ता रेडी है, अब हम इसे टेस्ट करके बताएंगे आपको कि ये कैसा है। तो गाइस चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। गाइस ये बहुत ही अच्छा बना है। तो आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलता है जल्दी नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।